हेलो फ्रेंड्स, यशका किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम यशका किचन में आपके लिए गणेश चतुर्थी स्पेशल लेकर आए हैं स्टफ़ कोकोनट गुजिया। गुजिया बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आधा किलो सूजी को 5 मिनट के लिए आप अच्छी तरह से भून लीजिए। उसके बाद हमने कोकोनट को कद्दूकस करना है। 1 साबुत कोकोनट इस तरह से कद्दूकस कर ली और हमने ड्राई फ्रूट में से किशमिश ली है, आप जो मर्जी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। उसके बाद उबलते हुए दूध में आप किशमिश डालें और कद्दूकस किया हुआ नारियल भी इसमें डाल दें और इसको हमने उबालना है कुछ देर के लिए। 5 मिनट या 10 मिनट आप इसे उबाल लें और उसके बाद आपको क्या करना है, जो हमने सूजी भुनी थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये दूध आधा करने के बाद आपको इसके अंदर सूजी डालनी है, इससे ये दूध कट जाएगा। अब हमने इसमें सूजी ऐड कर दी है, अब इसे तब तक पकाना है जब तक ये अच्छी तरह से गाढ़ा ना हो जाए। एकदम से अच्छी तरह से इसको सुखा लेना है। देखिए ये एकदम से सूख चुका है। अब इसको रखते हैं ठंडा होने के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आधा किलो आप मैदा ले, उसमें घी डालें और इस तरह से घी डालकर आपको मैदे को अच्छी तरह से गूंद लेना है और 5 मिनट के लिए रखने के बाद आप इससे छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लें और पतली पतली एकदम पूड़ी बनानी है। और इसके अंदर जो कोकोनट पाउडर हमने तैयार किया था वो इसमें भर दे और इस तरह से इसको टाइट हाथों से आप अच्छी तरह से कवर कर बंद कर दे ताकि जब हम इसे ऑयल में फ्राई करें तो ये खुल ना जाए। इसके बाद हम इसे ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ऑयल में फ्राई करने के बाद आपके भुजिया एकदम से तैयार हैं, आप इसे खाने के लिए सर्व कर सकते हैं। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।